हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहितराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेडगार्ड पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि भारत बंद 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 मतलब भारत बंद बहुजन समाज द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद का जो असर है वो भी देखने को मिला है। लेकिन अभी भी बहुजन समाज है वो बीजेपी पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस बंद से जो बीजेपी की केंद्र सरकार है वो बैकुंठ पर नजर आई। सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पहले ट्वीट करके कहा कि सरकार ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाने की है, वो पूरी कोशिश कर रही है दोनों ही मामलों के अंदर अध्यादेश लेकर आए या नहीं, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के जो मामला है उसके अंदर अध्यादेश लेकर आएगी। और आगे अगर इसी चीज की अगर हम बात करें तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि हमें केवल मात्र 2 दिन का वक्त दीजिए, मतलब 7 मार्च को पार्टी की उनकी बैठक है और उसके अंदर ये अध्यादेश है वो पारित हो सकता है। तो कुल मिलाकर जिस चीज की जरूरत थी उससे ये साफ हो चुका है कि जो अध्यादेश है वो आने हैं। लेकिन बहुजन समाज कि जो नेता है, बहुजन समाज के जो दल है और बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं वो अभी भी बीजेपी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वो बीजेपी को साफ ये कहने के कह रहे हैं कि जब जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था उसको आपने एक दिन भी नहीं लगाया पारित करने में, तो बहुजनों के लिए 85% जनता के लिए ये अध्यादेश लाने के लिए आपको 2 दिन का वक्त क्यों चाहिए। और आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रकाश जावड़ेकर ने सदन में कहा था कि जल्दी हम पे इस पे अध्यादेश लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो पुनर्विचार याचिका के सरकार ने लगाई थी वो भी रद्द कर दी गई है। तो शायद कहीं ना कहीं यही वजह है वो जो बहुजन समाज को दूर करती है इन चीजों से। और बहुजन समाज का जो एक बड़ा तबका है वो ये देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज अब अपने आप में जागृत हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर हम किसी बात की देखने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर असली बात यही है और असली जो मुद्दा यही है कि इस पर सरकार है पूरी तरीके से बैकवुड पर है और पूरी नजर है वो 7 तारीख पर है कि 7 तारीख पर जो केंद्र सरकार है इस पर अध्यादेश लेकर आती है या नहीं लेकर आती। 7 तारीख की बताए जा रहे हैं कि 7 तारीख को केंद्र सरकार की वो बैठक है और इसके अंदर इस पर अध्यादेश पारित हो सकता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो बहुजन समाज के सामाजिक दल है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है और कई जगह से प्रतिक्रियाएं आ चुकी है। भीम आर्मी ने भी कहा है कि हम जल्द ही जो संसद है जंतर मंतर है वहां पर प्रदर्शन करेगी भीम आर्मी, बड़ा प्रदर्शन है वो करने जा रही है। इसी के साथ अगर जो बहुजन समाज के जिन लोगों ने जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति थी उसने ऐलान कर दिया है कि जो 7 तारीख को अध्यादेश नहीं आता है तो 7 तारीख को केंद्र की जो मीटिंग होती है उसके तुरंत बाद भी अगर अध्यादेश नहीं आता है तो तुरंत वापस दिल्ली की सड़कों पर हमें उतरना होगा। तो कुल मिलाकर जो है बहुजन समाज अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के अंदर देखने को है और उसको एक महसूस हो चुका है कि अब उसको हटाने वाले की संख्या कोई की नहीं है। तो कुल मिलाकर इससे ये साफ है कि सरकार बैकवुड पर है और 7 मार्च का इंतजार आप भी करिए हम भी करेंगे। तो ये जो सवाल है वो बड़ा अभी भी बना हुआ है कि क्या सरकार है वो 7 मार्च पर अध्यादेश पारित कर देगी। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।